वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबको मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चार्ल्स पर्सी स्नोर द्वारा लिखा गया रोज हार्डी एंड रामानुजन का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएं, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। चार्ल्स पर्सी स्नो बैरन स्नो वॉज एन इंग्लिश नावलिस्ट एंड फिजिकल केमिस्ट हु ऑल्सो सर्व्ड इन सेवरल इंपॉर्टेंट पोजिशन इन ब्रिटिश सिविल सर्विस एंड ब्रीफली इन यूके गवर्नमेंट। तो वो एक ऐसे इंग्लिश नावलिस्ट थे और जो फिजिकल केमिस्ट भी थे, और उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस के ऊपर यूके गवर्नमेंट के अंदर काम किया। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर ए सीरीज ऑफ नावल कलेक्टिव नोन एज स्ट्रेंजर एंड ब्रदर। उनको ज़्यादातर उनकी सीरीज ऑफ नावल ब्रदर्स एंड स्ट्रेंजर्स के लिए, स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स के लिए जाना जाता है, और दूसरा टाटू कल्चर्स के लिए इन विच ही लमेंट्स द गल्फ बिटवीन साइंटिस्ट एंड लिटरेरी इंटेलेक्चुअल। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन चार्ल्स पर्सी स्नो के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ चार्ल्स पर्सी स्नोस हार्डी एंड रामानुजन। Short questions. How did Hardy discover Ramanujan? Who helped him in them in his discovery? Hardy ने रामानुजन कैसे discover किया? Hardy received a letter from an Indian. One day, Hardy ने एक unknown Indian से एक letter receive किया. When he opened it, he found sheets of paper. जब उसने खोला तो उसके अंदर कुछ sheets of paper थे. Script used to consist of theorem. Most of them wild and constructed. The manuscript was from Ramanujan, an Indian mathematician. जब उसने खोला तो उसके ऊपर sheet of paper थी जिसके ऊपर कुछ theorems थी, और वो बिल्कुल नई discoveries थी। और ये स्क्रिप्ट जो भेजी गई थी रामानुजन के द्वारा भेजी गई थी, जो कि एक ग्रेटेस्ट इंडियन मैथमेटिशियन आने वाले टाइम के बनने वाले थे। हार्डी शोड इट टू अनदर मैथमेटिशियन लिटलवुड। हार्डी ने अपने दोस्त जो कि एक और मैथमेटिशियन थे लिटलवुड को वो थियोरम्स दिखाई। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे गेम टू द कंक्लूजन द राइटर ऑफ दोज स्क्रिप्ट दोस्त में स्क्रिप्ट वॉज अ जीनियस। और काफ़ी डीप डिस्कशन के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि उन थ्योरम्स को भेजने वाला राइटर कोई साधारण नहीं है, वो एक मैथमेटिकल जीनियस है। इन दिस वे रामानुजन वाज डिस्कवर्ड, और इस तरीके से रामानुजन जो है वो डिस्कवर हुआ था। व्हाई डिड रामानुजन विजिट इंग्लैंड? हाउ वाज मनी अरेंज फॉर हिम? रामानुजन इंग्लैंड जो इसलिए आया क्योंकि हार्डी और लिटलवुड ने ये ढूंढ लिया था कि वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन है, और उसकी आने का जो अरेंजमेंट था वो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज ने किया था। हार्डी शोड रामानुजन स्क्रिप्ट टू हिज फ्रेंड लिटलवुड। हार्डी ने रामानुजन की स्क्रिप्ट जो है अपने दोस्त लिटलवुड को दिखाई। आफ्टर स्टडिंग माइन्यूटली दे बोथ केम टू कंक्लूजन दैट रामानुजन वॉज ए मैथमेटिकल जीनियस। ऑफ बहुत गहरे डिस्कशन के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि उन थ्योरम्स का जो राइटर है वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन है। देयरफॉर हार्डी डिसाइडेड टू ब्रिंग रामानुजन टू इंग्लैंड। इसीलिए हार्डी ने डिसाइड किया कि रामानुजन को इंग्लैंड लेके आया जाएगा। इन ट्रिनिटी प्रोवाइडेड मनी फॉर रामानुजन विजिट, और उसके आने के जो पैसे खर्च होने थे वो ट्रिनिटी कॉलेज ने प्रोवाइड किए। रामानुजन मदर वुड नॉट नॉर्मली अलाउ हर सन टू क्रॉस द रिवर, व्हाई वुडंट शी? हाउ डिड शी अलाउ हिम इन द एंड? रामानुजन की मदर क्यों अलाउ नहीं करना चाहती थी अपने बेटे को समुद्र को पार करने से, और फिर उसने कैसे अलाउ किया? रामानुजन की माँ जो थी वो एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली को बिलोंग करती थी, ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती थी, और उस समय की ये हिंदू धारणाएं थी, उस समय की हिंदू धारणा ये थी कि जो ब्राह्मण हैं वो समुद्र पार करके नहीं जा सकते, इसीलिए उसका जो जाना वो मुश्किल लग रहा था। बट तभी एक दिन रामानुजन की माँ को एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि उसका बेटा जो है एक बड़े से हॉल में यूरोपियन के बीच में बैठा हुआ है, और उसको गॉड सिनेमा कल ने कहा कि वो उसके बेटे के सपने को पूरा करने में उसके रास्ते में आए, इसीलिए उसे वहाँ से जाने की परमिशन जो है वो मिल गई। रामानुजन बिलोंग्स टू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली।
रामानुजन ने एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली को बिलोंग करता था, देयर फॉर ड्यू टू रिलीजियस रीजन हिज मदर वुड नॉट नॉर्मली अलाउ हर टू सन क्रॉस द रिवर, इसीलिए धार्मिक कारणों के कारण उसकी माँ उसे कभी भी समुद्र को क्रॉस करने नहीं देती। वन नाइट हिज मदर हैड अ ड्रीम इन विच शी सॉ हर सन सीटेड इन अ बिग हॉल अमंग अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन एंड शी टोल्ड दैट गॉडेस ऑफ नोगल हैड कमेंडेड हर नॉट टू स्टैंड इन द वे ऑफ हर सन फुलफिलिंग हिज लाइफ पर्पस। और एक दिन उसने सपना देखा कि उसका बेटा जो है वो एक बड़े से हॉल में यूरोपियंस के बीच में बैठा और गॉडेस नमकल ने उसको कमांड की है कि वो अपने बेटे के जीवन के मकसद को पूरा करने के रास्ते में ना आए। देयरफॉर शी अलाउड हिम टू गो टू इंग्लैंड इन दैन, और इस तरीके से उसने अपने बेटे को इस तरीके से इंग्लैंड जाने की अंत में इजाज़त दे दी। इन वट वेज वॉज लाइफ इन इंग्लैंड रिवॉर्डिंग फॉर रामानुजन? रामानुजन कुड नॉट एंटर मद्रास यूनिवर्सिटी बिकॉज ही कुड नॉट मैट्रिकुलेट इन इंग्लिश। रामानुजन मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि वो मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में इंग्लिश में पास नहीं हो पाया था। बट इन इंग्लैंड ही बिकेम फेलो ट्रिनिटी, बट इंग्लैंड जाके वो ट्रिनिटी कॉलेज में उसने फेलोशिप अवार्ड मिला। हार्डी एंड रामानुजन प्रोड्यूस टुगेदर 5 पेपर ऑफ हाइएस्ट क्लास। हार्डी एंड रामानुजन ने 5 ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल पेपर लिखे हाइएस्ट क्लास के। सर्टनली लाइफ इन इंग्लैंड प्रूव वेरी रिवार्डिंग फॉर रामानुजन, और इस तरीके से इंग्लैंड में जो लाइफ थी उसके लिए वाकई बहुत सारे प्रॉफिट्स लाभ लेके आई। वाई डिड रामानुजन कंसिडर 17289 एन इंटरेस्टिंग नंबर? रामानुजन कंसिडर 17289 एन इंटरेस्टिंग नंबर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन डिफरेंट नंबर। इसलिए उसने माना क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर था जो कि 2 क्यूब्स का टू डिफरेंट तरीकों से सम माना जा सकता था। हाउ डिड हार्डी केम टू नो दैट रामानुजन वॉज अ मैथमेटिकल जीनियस? Hardy initially thought that Ramanujan discoveries were made earlier fraud. तो पहला उसका विचार ये था हार्डी का कि जो डिस्कवरीज रामानुजन ने उसके पास भेजी हैं वो केवल फ्रॉड है। देर वर नो प्रूफ्स ऑफ एनी टाइप, क्योंकि उसने कोई किसी भी प्रकार का प्रूफ उसके साथ चैज नहीं किया था। देर फॉर ही पुट द मैन्युस्क्रिप्ट असाइड, इसीलिए उसने मैन्युस्क्रिप्ट को एक साइड पर रख लिया। बट इन ट्रिनिटी हैड अनदर लुक एट द स्क्रिप्ट, ही सेंट वर्ड्स टू लिटलवुड, देन दे मस्ट हैव अ डिस्कशन आफ्टर ऑल, हु वॉज इमेजिनेटिव पावरफुल एंड ह्यूमरस। बट बिफोर मिडनाइट दे न्यू एंड न्यू फॉर सर्टेन दैट द राइटर ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज अ मैन ऑफ जीनियस। बट जैसे ही वो ट्रिनिटी गया उसने दोबारा से एक बार उन थ्योरम्स को देखा और फिर उसने अपने फ्रेंड लिटल वुड को मैसेज भेजा कि उन्होंने एक बार इन थ्योरम्स को डीपली एनालिसिस करना है। और आफ्टर डीप डिस्कशन वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इन थ्योरम्स का जो राइटर है वो वाकई में एक ग्रेट मैथमेटिकल जीनियस है। दैट वॉज एज मच एज दे कुड कंच दैट नाइट, इट वॉज ओनली लेटर दैट हार्डी साइडेड रामानुजन वॉज इन टर्म्स ऑफ, और इस तरीके से हार्डी अंत में ये जान गया कि जो रामानुजन है वो कोई साधारण नहीं बल्कि एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल जीनियस है गॉस और ऑलर के जैसे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।